दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का विषय है लोकतंत्र, कल, आज और कल। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि लोकतंत्र क्या है। वैसे बहुत सारे लोगों ने अपने स्कूल में और इधर उधर सुन करके, कहीं पढ़ करके लिंकन की वो मशहूर जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है, उसको सुना होगा। और अक्सर लोग भारत में भी जो है चौक चौराहों पर इस बात को बोलते हुए नजर आते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है और जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। मेरे ख्याल से लोकतंत्र कल, अगर हम बात करें बीते हुए कल की, तो लोकतंत्र की शुरुआत जनता का शासन है यहाँ से नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से पुराने दौर में जो लोकतंत्र की प्राचीन स्वरूप, जो पुराना एंशिएंट मॉडल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, तो लोकतंत्र जनता का शासन पूरी तरह से नहीं था। मतलब जनता जब हम बोलते हैं तो जनता अपने आप में एक बड़ा वेग टर्म है। जनता जब हम बोलते हैं तो इसका जो है, इसके अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरह की जो पहचान है, वो सारी चीजें इसमें समाहित कर ली जाती है। तो जनता का शासन लोकतंत्र को अभी कहा जाता है, लेकिन पुराने समय में अगर हम इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करें, इसे ढूंढने का प्रयास करें, तो उस वक्त सभी लोगों को शासन में भागीदारी का अधिकार नहीं था। लोकतंत्र का वो प्रारंभिक स्वरूप है, वो प्राचीन स्वरूप स्वरूप है, वो इंस्टेंट मॉडल है, जहां पे समाज के एक तबके या कुछ तबके के लोगों को लोकतंत्र में भागीदारी की इजाजत थी। लेकिन मैं उसके पूरे डिटेल में जाने के बजाय, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जो इस भारत में भी और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया है, मैं वहां से जो लोकतंत्र का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, उसमें मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो जो बीता हुआ कल है, अगर उसको हम समेटने की कोशिश करें, तो जो एंशिएंट टाइम का डेमोक्रेटिक स्वरूप हम लोगों को देखने का मिलता है, भारत में लिच्छवी गणराज्य के लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है, यूरोप के कुछ इलाकों में भी प्राचीन लोकतंत्र के स्वरूप जो हैं वो इतिहास में पाए गए हैं। लेकिन मैं उतना पीछे ना जा करके जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, जिसको हम आधुनिक लोकतंत्र कहते हैं, और मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो कुछ लोग इसे बुर्जुआ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो ये जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, वो क्या था, उसकी कैसे शुरुआत हुई और आज उसकी क्या स्थिति है और ये किस तरफ जा रहा है, इस दायरे में मैं अपनी बातचीत को रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद भी लंबे समय तक जो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, उसको सामंतवाद कहा जाता था, उसको फ्यूडलिज्म कहा जाता था। और फ्यूडलिज्म में जो स्टेट का स्वरूप था, जो शासन का स्वरूप था, उसमें मोनार्की थी। मोनार्की कहने का मतलब ये है कि राजा का बेटा ही राजा होगा। मतलब सब लोग जो हैं, जो शासन में भागीदारी करना चाहते हैं, उनको इस बात की इजाजत नहीं थी। हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिसमें इसके बारे में चर्चा मिलती है, इसका उदाहरण मिलता है। जैसा कि अगर हम महाभारत की बात करें, तो ये देखने को मिलता है कि सिर्फ राजकुमारों को ही धनुष चलाने की और धनुष विद्या सीखने की इजाजत थी। बाकी दूसरे लोग भी धनुष चलाते थे, धनुष चलाने के लिए सीखते थे, लेकिन जो राजगुरु होते थे, राजगुरु सिर्फ और सिर्फ राजकुमारों को ही धनुष चलाने के लिए सिखाते थे। और एकलव्य का उदाहरण बड़ा मशहूर है कि एकलव्य ने जो है वो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके धनुष चलाना सीखा और गुरु दक्षिणा में जो है एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि इस बात पे कोई विवाद नहीं है, ये लगभग निर्विवाद है। अमूमन अगर आप देखें तो कोई अगर लोकतंत्र विरोधी विचारधारा को भी मानने वाला है, वो भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि सत्ता में सबकी भागीदारी आज से पहले, मॉडर्न डेमोक्रेसी से पहले नहीं थी, सबको इजाजत नहीं था। जब धनुष चलाने के लिए नहीं दिया जाता था, जब पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, कई ऐसे स्थान थे जो वर्जित थे, जहां पे लोग नहीं जा सकते थे, प्रोहिबिटेड था, तो स्वाभाविक रूप से सत्ता में भागीदारी का अधिकार भी सब लोगों को नहीं था। लेकिन
ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जहां सत्ता का शासन का स्वरूप बदला और ये कहा जाने लगा कि सत्ता में आम लोगों की भी भागीदारी होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आप सब लोग इस बात को जानते होंगे कि वो क्रांतिकारी घटना थी जब जेम्स वॉट ने वाष्प इंजन बनाया, स्टीम इंजन बनाया, और ये कहा जाता है कि उस स्टीम इंजन ने दुनिया में जो हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है उसका जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें एक एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक लेकर के आया। ये घटना वैसी ही थी जैसा कि पुराने जमाने में आदि मानवों ने आग का खोज किया था, उसी तरीके से ये जो वाष्प इंजन बना उसके बाद जो प्रोडक्शन सिस्टम था उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और उस बदलाव के साथ ही जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए उसी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के रूप में राजनीतिक परिवर्तन ही हुआ, उसके अनुरूप राजनीतिक परिवर्तन भी हुआ, और ये कहा जाने लगा कि राजा का बेटा ही राजा नहीं होगा, कौन शासक होगा, सत्ता के शीर्ष पर कौन बैठेगा, इसका चुनाव जो है लोग करेंगे। और ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी, एक ऐतिहासिक घटना थी। और भारत में भी अगर हम इसको ट्रेस करने की कोशिश करें, जब ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स के साथ वो जो कॉलोनियल लिगेसी है उस कॉलोनियल लिगेसी को लेकर के भी वो आए, और जो कॉलोनियल लिगेसी वो यहाँ लाए तो उन्होंने अपने आधार पे सत्ता और उसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको बनाने की कोशिश की, उसको बनाया। अब कुछ लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि ब्रिटेन में तो अभी भी मोनार्की है, वो मोनार्की एक तरीके से सिंबोलिज्म है, और पूरा का पूरा जो निर्णय है वो पूरा का पूरा निर्णय जो है वो आज मोनार्किक सिस्टम के आधार पर नहीं होता है बल्कि उसका भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। मैं जो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चरल स्वरूप है उसके संबंध में अभी शुरू में बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसके आइडियोलॉजिकल स्वरूप के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो परिवर्तन हुआ कि जनता ने कहा कि हम खुद तय करेंगे कि हमारा शासक कौन होगा, और इसके कई सारे क्रिटिक हैं, आप में से कुछ लोगों ने शायद हरिशंकर प्रसाई जी की वो मशहूर व्यंग रचना पढ़ी होगी भेड़ और भेड़िया, कि एक बार जो है जंगल में यह घोषणा हुई कि अब जंगल का राजा शेर नहीं होगा बल्कि राजा का चुनाव होगा, और जो है उस चुनाव में भागीदारी करने के लिए भेड़िया जो है वो भेड़ का स्वरूप धारण कर लेता है, मुंह में घास दबा लेता है। तो ये क्रिटिक इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का होता है, और ये क्रिटिक इस डेमोक्रेटिक सिस्टम का होना चाहिए क्योंकि आलोचना से ही कमियां पता चलती है और उन कमियों को दूर करके ही लोकतंत्र बेहतर होता है। और यहाँ पर मैं लेनिन का भी एक कोट आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। लेनिन ने लिखा है कि डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसेबल टू सोशलिज्म, मतलब कि तमाम क्रिटिसिज्म के बावजूद इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोगों को जो वोट देने का अधिकार मिला ये अपने आप में एक क्रांतिकारी घटना थी, अपने आप में ये समाज में एक बड़ा बदलाव लेकर के आया, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसकी आलोचना होती है, इसकी आलोचना होनी चाहिए, ये एक बात है। तो जब लोगों ने वोट देना शुरू किया और लोगों ने अपना सरकार चुनना शुरू किया, और भारत में जब ब्रिटिशर्स आए तो अपने साथ जो कॉलोनियल लिगेसी लेकर के आए और यहाँ पे उनको अपना काम काज चलाने के लिए अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की जरूरत थी, पुलिस में भर्ती करने के लिए भारतीय नौजवानों की जरूरत थी, ब्रिटिश आर्मी में भर्ती करने के लिए भारतीय नौजवानों की जरूरत थी, ब्रिटेन जो यहाँ पर राज स्थापित किया उसको चलाने के लिए उसको पढ़े लिखे ऑफिस में काम करने वाले लोगों की जरूरत थी, तो वो अपने साथ शिक्षा पद्धति भी लेकर के आए, और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जैसे जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव, जिसको हम कहते हैं जुडिशियरी, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, उन तमाम इंस्टीट्यूशन को भी वो अपने साथ लेकर के आए, ठीक ठीक उसी तरह से जैसे भारत के कच्चा माल को भारत से ब्रिटेन पहुंचाने के लिए उन्होंने बंदरगाहों का विकास किया, रेलवे की स्थापना की, डाकघर का निर्माण किया, टेलीफोन का निर्माण किया, उसके सिस्टम्स बनाए। तो जब कोई कॉलोनियल पावर किसी कॉलोनीज में जाता था तो वो उस कॉलोनी का उत्थान करने के लिए नहीं जाता था,
वो उस कॉलोनी का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए जाता था। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में हर चीज, पूरे यूनिवर्स में हर चीज वो डायलेक्टिकल मेथोडोलॉजी के आधार पर चलता है। तो डायलेक्टिक्स में क्या है कि वो आए थे अपने इस्तेमाल के लिए चीजों को लेकर के, लेकिन उसका एक डायलेक्टिकल स्वरूप ये था जो आप लोग में से बहुत सारे लोग जानते हैं, कोई थीसिस होता है उसके खिलाफ एक एंटीथीसिस खड़ा होता है। तो वो आए थे अपने जरूरतों के लिए इन तमाम चीजों का निर्माण कर रहे थे, लेकिन वो साथ ही साथ जो एजुकेशन लेकर के आए, जो वो पूरा का पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर के आए, तो भारत के लोगों को भी ये एहसास हुआ कि ये अपने यहाँ जब यह राइट लोगों को दे रहे हैं कि कौन होगा शासक, सत्ता किसके हाथ में होगी, सत्ता कौन चलाएगा, इसका निर्णय वहां की जनता लेगी, तो भारत के लोगों ने भी यह सोचा कि फिर ये कौन होते हैं कुछ मुट्ठी भर अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर सकें। और धीरे 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 जन आंदोलनों के माध्यम से, स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न बड़े घटनाक्रम के बाद 1947 में हम लोग आजाद हुए, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो सवाल खड़े हुए, चाहे मजदूरों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो, महिलाओं का आंदोलन हो, आदिवासियों का आंदोलन हो, उन तमाम सवालों को, दलितों का आंदोलन हो, उन तमाम सवालों को इकट्ठा करके, एकजुट करके एक ऐसा शासन व्यवस्था बनाया जाए जहां किसी भी मनुष्य के द्वारा किसी मनुष्य का शोषण नहीं हो सके, एक ऐसे रिपब्लिक का निर्माण किया जा सके। अब रिपब्लिक कहने का मतलब यह है कि सत्ता के शीर्ष पे बैठे हुए इंसान का चुनाव जन्म के आधार पे नहीं होगा, बल्कि उस राज्य में रहने वाले लोगों के द्वारा होगा। और राज्य के बारे में आप तमाम लोगों ने पढ़ा होगा, आप जानते होंगे कि राज्य के लिए तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। स्टेट के लिए तीन चीज होना चाहिए, पहला लैंड ज्योग्राफी, दूसरा पॉपुलेशन लोग, और तीसरा सोवरनिटी मतलब संप्रभुता। ये तीन चीज होने से ही किसी स्वतंत्र राज्य का निर्माण होता है। जब भारत को एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये लाइन हमारी प्रस्तावना में भी लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भारत की सीमा के भीतर रहने वाले तमाम लोग, चाहे उनकी पहचान कुछ भी हो, उनका जाति कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, उनका लिंग कुछ भी हो, उनका भाषा कुछ भी हो, उनकी संस्कृति कुछ भी हो, भारत की सीमा के भीतर रहने वाले वो तमाम लोग भारत के नागरिक हैं, और भारत के नागरिकों के द्वारा ही भारत की सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति का चुनाव होगा। अगर ऐसी प्रक्रिया होती है, जिस किसी भी स्टेट में ऐसा होता है, तो उसको एक रिपब्लिक स्टेट कहा जाता है। अभी हम लोगों ने जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया है। एक तरफ जो है वो गणतंत्र दिवस को राजपथ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था, और दूसरी तरफ जो है गण जो है, जो लोग हैं, उनका जो एक हिस्सा है जिसको हम कहते हैं अन्नदाता किसान, वो अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। अब इस पूरे के पूरे प्रक्रिया को, इस पूरे के पूरे स्वरूप को अगर हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे, तो ये स्थिति अपने आप साफ हो जाएगी कि लोकतंत्र कल क्या था, आज क्या है, और कल क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये हमने आपको कहा कि चाहे आप प्राचीन लोकतंत्र की जड़ों को ढूंढने का प्रयास करें, या जहां से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई है, और स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जो लोकतंत्र की स्थापना हुई है, गणराज्य की स्थापना हुई है, वहां तक हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना अपनी कुर्बानियों को देकर के किया है। लोकतंत्र की स्थापना अपने आप में, पूरी दुनिया में और भारत में भी एक क्रांतिकारी ऐतिहासिक घटना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा व्यवस्था में, मौजूदा सिस्टम में कई सारे दोष हैं, और इन दोषों की आलोचना का स्वागत होना चाहिए, और इन आलोचनाओं को स्वीकार करके ही, इन कमियों को दूर करके ही एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। जब हम कहते हैं कि कुर्बानियों के आधार पर लोकतंत्र का निर्माण हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब यह है कि कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था
अपने आप समाप्त नहीं हो जाती है और कोई सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था अपने आप स्थापित नहीं हो जाती है। उसके लिए कई ऐतिहासिक घटनाक्रम होते हैं। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही कहा कि अगर स्टीम इंजन नहीं खोजा जाता तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं होता तो मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पे उत्पाद नहीं होते, उत्पादन नहीं होता। अगर उत्पादन बड़े पैमाने पे नहीं हुए होते तो कच्चा माल की जरूरत नहीं पड़ती बड़े पैमाने पे, और कच्चे माल की खोज में लोग भारत को खोजने के लिए नहीं निकलते। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि कोलंबस भी भारत खोजने के लिए निकला था और अमेरिका पहुंच गया। तो यूरोप के उस वक्त की जो शासन व्यवस्था थी, जो मोनार्की पर आधारित था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, वहां पर जो एक व्यापारी मध्यम वर्ग पैदा हुआ, वो व्यापार के लिए समुद्र यात्राओं की शुरुआत की। और समुद्र यात्राओं की शुरुआत के बाद दुनिया के अलग अलग जो इलाके थे वहां तक यूरोपियंस पहुंच पाए, और वहां पर पहुंचने के बाद वो अपने मार्केट के डिमांड के आधार पर उन्होंने से स्लेव ट्रेडिंग शुरू किया, उन्होंने जो है माइनिंग शुरू की, और जो कॉलोनीज में रहने वाले लोग हैं उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया और बड़े पैमाने पे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। लेकिन वहां पर अपने शासन को स्थापित करने के लिए, अपने राजकाज को चलाने के लिए जो वो सिस्टम लेकर के गए, उस सिस्टम के खिलाफ लोगों के मन में जो पब्लिक अवेयरनेस आया, उस सिस्टम से जो वो लोग सीखे, उस पब्लिक अवेयरनेस के चलते, पीपल्स कॉन्शियसनेस के चलते ही पीपल्स मूवमेंट की शुरुआत हुई। और पीपल्स मूवमेंट होते होते जब ग्लोबल मार्केट भी यह महसूस करने लगा कि दुनिया को इस तरीके से लाठी के जोर पे गुलाम बना करके नहीं रखा जा सकता है, लोगों को शारीरिक रूप से लाठी के जोर पे गुलाम बना करके नहीं रखा जा सकता है, तो कॉलोनीज को आजाद किया जाने लगा, डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। और इस डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ही दुनिया भर में जो सत्ता पे बैठे हुए लोग थे वहां पर परिवर्तन हुआ। आप सब जानते हैं कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही थी, उसके बाद वहां एक नई पार्टी शासन में आई जिसको लेबर पार्टी कहा जाता है। दुनिया भर की कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, उस डिटेल में ना जा करके, दुनिया भर की चीजों को छोड़ करके मैं भारत पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आप सबसे ये साझा करना चाहता हूँ कि भारत में लोकतंत्र की जड़, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की जड़ें बहुत पुरानी हैं। और जब मैं यह बात कहता हूँ तो मैं सिर्फ इस बात को लिच्छवी गणराज्य तक सीमित करके नहीं देखता हूँ। मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते आप लोगों से ये साझा करना चाहता हूँ कि किसी भी समाज की अपनी एक सामाजिक प्रवृत्ति भी होती है। और भारत के भूभाग को अगर आप देखेंगे, मैं पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में यह बात कह रहा हूँ कि इस पूरे के पूरे भूभाग को आप देखेंगे, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से देखें तो ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है वो मेल्टिंग पॉट ऑफ रेस है। तमाम तरह के लोग इस भूभाग में आए और तीन तरफ से समुद्र की ओर घिरे होने के कारण, और ईस्ट में जो म्यांमार की तरफ रास्ता जाता है उस तरफ घना जंगल होने के कारण, और उत्तर में ऊंचा ऊंचा महान हिमालय होने के कारण लोग इधर आकर के इधर ही रह जाते थे। यही नतीजा है कि भारत में जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जो विविधता है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे कोई एक धर्म नहीं है, कई तरह के धर्म है। यहाँ पे कोई एक तरह की पहचान नहीं है, कई तरह की पहचान है। इसीलिए भारत में अगर आप लोकतांत्रिक लोक व्यवहार की जड़ों को अगर तलाशने का प्रयास करें तो इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। और यहाँ पे यह परंपरा रही है कि हम असहमतियों का भी सम्मान करते हैं। एग्री टू डिसएग्री जो एक शब्द है, जो एक लाइन है, जो फ्रेज है, वो अगर आप भारत में ढूंढने की कोशिश करेंगे तो एग्री टू डिसएग्री की परंपरा जो है वो भारत में काफी प्राचीन है। और ये परंपरा भारत में लोकतंत्र की जड़ों को काफी पीछे लेकर के जाता है। इसकी जड़ों की गहराई के संबंध में यह देखने को मिलता है कि समाज में अगर हम व्यवस्था बना करके रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि समाज में शांति रहे, तो यह बात के लिए यह होना बहुत जरूरी है
कि असहमतियों का सम्मान किया जाए। और आप देखिए कि भारत में अगर फिलॉसफी के हिस्ट्री को हम देखें तो यहाँ पे सिर्फ भाववादी फिलॉसफी ही नहीं रहा है, यहाँ पे भौतिकवादी फिलॉसफी भी रही है। एक तरफ अगर लोग ये कहते हैं कि यह जो धरती है वो यह लोक है और कोई दूसरा परलोक है, यहाँ हम जो कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमको वहां पे स्वर्ग मिलेगा, तो दूसरी तरफ चार्वाक स्कूल ऑफ थॉट भी देखने को मिलता है, दूसरी तरफ कबीर भी देखने को मिलते हैं, नानक भी देखने को मिलते हैं। और कबीर क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और सिर्फ एक तरह की धार्मिक रूढ़िवाद के संबंध में नहीं, दूसरे धार्मिक रूढ़िवाद के संबंध में भी कहते हैं कि कंकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। तो ये जो असहमति है, असहमत होने की जो परंपरा है, और असहमत अगर आप हैं तो आप होइए, यह आपका अधिकार है, ये परंपरा काफी पुरानी थी। और इसने जो है एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि अंग्रेज जो अपने तरह का शासन यहाँ पे स्थापित करना चाहते थे तो शुरुआती दिनों में ही उसके खिलाफ जनता का रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, और ज्यों ज्यों अंग्रेजों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता जाता है, उसी काउंटर में भारत में जन आंदोलन भी जो है खड़ा होता जाता है। और भारत में जो प्राचीन परंपरा रही है असहमति के सम्मान का, उसके आधार पर एक ऐसी लोकतांत्रिक परंपरा को स्थापित करने का सपना देखा जाता है जहां पहचान के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी तरह की भिन्नता के आधार पर किसी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आप देखिए कि जो 1947 के बाद संविधान सभा बना, उस संविधान सभा में तमाम तरीके के, सभी तरह की विचारधारा के लोगों को और भारत के सभी इलाके के लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। और आप देखेंगे कि किसी भी दो आइडियोलॉग को अगर आप ले लें तो वो सहमत भी हो रहे हैं और वो असहमत भी हो रहे हैं, एक साथ ही मिलकर के काम भी कर रहे हैं। अगर आप कांग्रेस को स्वरूप को देखें तो उसमें भी आपको अलग अलग तरह की धाराएं देखने को मिलेगी, उसमें भी जो है विभिन्न विचारधारा के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ रहे थे। यही कोशिश की गई कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मुख्य सवाल उठ करके आए हैं उन मुख्य सवालों को संविधान में जगह दिया जाए और ऐसे राज्य की स्थापना की जाए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी लिखा हुआ है कि राज्य भारत के लोगों का ख्याल रखेगा, राज्य का स्वरूप कल्याणकारी होगा, लोगों का यह काम है कि वह राज्य को टैक्स दे और राज्य की यह जिम्मेवारी है कि वह लोगों को सुरक्षा दे, उनके वित्त का ख्याल रखे, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखे और जीवन जीने के जो अधिकार हैं, जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित रखे। और बाद में आप देखिए कि जीवन जीने के अधिकार में शिक्षा को भी शामिल किया गया कि शिक्षा सबको मिले और बुनियादी शिक्षा फ्री होनी चाहिए क्योंकि यह जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। इस तरीके से एक संवैधानिक, जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, जो है भारत में एस्टेब्लिश हुआ और उसके आधार पर जो प्रस्तावना में लक्ष्य रखे गए हैं, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को पहचान के आधार पर, लिंग भाषा बोली के आधार पर, बिना कोई भेदभाव किए स्वतंत्रता अवसर की समानता, ये प्रस्तावना जो है हमारे लिए लिखी गई, ये लोकतंत्र का स्वरूप स्थापित करने का प्रयास किया गया। और आप देखिए कि पहला जो मंत्रिमंडल बना था, मैं ये यहाँ यह बात आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, पहले मंत्रिमंडल में नेहरू जी भी हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी हैं उसी मंत्रिमंडल में। ये जो स्वरूप है, इस स्वरूप में एक चीज जो आप कॉमन निकाल सकते हैं, चाहे आप पुराना जो हमारा प्राचीन फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसके स्कूल से अगर आप निकालने का प्रयास करें, उस थॉट प्रोसेस से अगर आप निकालने का प्रयास करें, चाहे आप मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो स्थापित करने का प्रयास किया गया उससे अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो हम क्या पाते हैं कि भारत में असहमति को सम्मान दिया जाता था। असहमति को सम्मान इसीलिए दिया जाता था ताकि क्योस नहीं हो सोसाइटी में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे,
ये कोशिश की जाती है। हालांकि इसको लेकर के एक अलग अलग क्रिटिक भी है, मैं उस क्रिटिक के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस एक लाइन बता देता हूँ। हमारे यहाँ एक कवि हुए जिनको राष्ट्रकवि दिनकर कहा जाता है, उन्होंने अपनी किताब में अपनी कविता में लिखा कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। तो ये जो ऑर्डर मेंटेन करने की बात है, ये ऑर्डर भी मेंटेन अगर सिर्फ और सिर्फ वादों के आधार पे हम करना चाहते हैं, या संविधान में जो बातें लिख दिए हैं सिर्फ बातें लिख भर देने से ऑर्डर मेंटेन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि समाज में जो सरप्लस पैदा हो रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा, और उसके इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमको ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि दिनकर की उसी लाइन को आज अगर हम जेंडर मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो लिखते हैं, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम होगा। आज कोई भी जो जेंडर एक्टिविस्ट है वो कहेगा कि नर क्यों, नारी क्यों नहीं, और वो लोग क्यों नहीं जो नर भी नहीं है और नारी भी नहीं है। तो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है जो मैं कहना चाहता हूँ आप तमाम लोगों से कि लोकतंत्र की जरूरत हमको क्यों है। लोकतंत्र की जरूरत हमको इसलिए है कि कोई भी व्यवस्था, कोई भी कही हुई बात, कहते हैं ना कि हर टेक्स्ट का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, तो वो अपने आप में पूरी तरह से सही नहीं होता है, और अगर वो पूरी तरह से सही नहीं है तो उसको पूरी तरह से सही मानने वाले लोग और उसको गलत मानने वाले लोग, और जो लोग कहते हैं कि नहीं इसका कुछ भाग सही है और इसका कुछ भाग गलत है, तो वैसे लोग इन तमाम लोगों को एक साथ एक समाज में शांति और व्यवस्था को कायम करके कैसे रखा जा सकता है, और उसके लिए कौन सी व्यवस्था होगी, तो वो व्यवस्था लोकतंत्र का है। और यह प्रयास जब भारत आजाद हुआ, भारत को रिपब्लिक बनाने की घोषणा की गई 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, तो यह प्रयास जो है राज्य के द्वारा लगातार किया जाता था, क्योंकि राज्य जो है वह कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे चल रहा था, वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट पे चल रहा था। लेकिन आज हमारे साथ क्या हो रहा है और ये किस तरफ जा रहा है, इसको अगर हम देखेंगे तो उसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों से साझा करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि कभी भी अगर हम किसी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसका एक पक्ष नहीं देखना चाहिए, उसके बहुआयामी पक्ष होते हैं, उसके मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होते हैं, और उस मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या हो रहा है, एक दूसरा समाज के भीतर किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहे हैं, और तीसरा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में सरप्लस का क्या हो रहा है और वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से काम कर रहा है। इन तमाम चीजों को अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो कुछ चीजों को हम लोगों को समझना चाहिए। पहली बात, अगर डार्विन ने ये नहीं कहा होता, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो नहीं दिया होता, तो शायद जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को आज हम एक एवोल्यूशन के रूप में देख पा रहे हैं वो देखने में हम सक्षम नहीं होते। लेकिन डार्विन ने जो बात कही है साइंस वहीं पे नहीं रुकता है, फिजिक्स में न्यूटन ने जो कहा है साइंस वहीं पे नहीं रुकता है, आइंस्टाइन जो ने जो बात कही है फिजिक्स वहां पे नहीं रुकता है। आज हम लोग क्वांटम के टाइम में रह रहे हैं, साइंस जो है वो अपने अगले स्टेज पे जा रहा है। पहले ये कहा गया फिजिक्स में कि एटम जो है वो सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा कुछ नहीं होता है। फिर एटम को तीन भाग में तोड़ा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर आज जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी डिवाइड किया जा रहा है। मेरा कहने का यह तात्पर्य यह है कि विकास लगातार होते रहता है, एवोल्यूशन लगातार होते रहता है, पुरानी चीजें और उसका स्वरूप बदलता रहता है और वो नया स्वरूप धारण करता रहता है। यही यूनिवर्स की, समाज की, राजनीतिक की, राजनीतिक व्यवस्था की भी एक गति होती है। जब हर चीज में गति होती है तो हम लोगों को ये देखना होगा कि समाज कहाँ था, आज कहाँ है, वो किस तरफ जा रहा है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में आजादी के बाद एक बेहतर लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया, और उस प्रयास के चलते हमको बहुत सारी अच्छी चीजें समाज में होती हुई दिखाई देती है। जैसे कोई यह कल्पना नहीं कर सकता है अगर हम पुराने दौर को देखें कि महिला और पुरुष जो है कतार में लग करके वोट देंगे और अपने शासक का चुनाव करेंगे। कोई ये कल्पना नहीं कर सकता है
कि महिलाओं को और तमाम वो दूसरे जो शोषित लोग हैं उनको आसानी से पढ़ने के लिए दिया जाए। आपके महाराष्ट्र का ही एक उदाहरण है, आप जानते हैं कि जब जाती थी सावित्रीबाई फुले स्कूल पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था। आज देखिए कि लड़कियां पढ़ रही हैं, और सिर्फ पढ़ नहीं रही हैं, आप हर CBSE का, 10th का और प्लस 2 का रिजल्ट उठा करके देख लीजिए, महिलाओं का प्रतिशत, सफलता का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा है। और आप ये देखिए कि परिवार का स्वरूप कैसे बदल रहा है, आप ये देखिए कि दो व्यक्ति के बीच में जिसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, उसमें कैसे बदलाव हो रहा है। जैसे अगर हम पुराने परिवार को देखें तो क्या महिलाओं से ये पूछा जाता था कि आज तुमको खाने का क्या मन कर रहा है, और आज अगर कोई पार्टनर अपने पार्टनर से ये नहीं पूछता है कि आज तुमको क्या खाने का मन कर रहा है तो उसको इनसेंसिटिव माना जाता है। किस तरीके से टर्मिनोलॉजी बदल जाती है और ये कैसे समाज को डेमोक्रेटिक होने के लिए कंपेल करता है, इस बात को हमको समझना चाहिए कि अब ये नहीं कहा जाता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अब लोग कहते हैं कि वी आर प्रेग्नेंट। मतलब सिर्फ वाइफ प्रेग्नेंट नहीं होती है, आप दोनों का ये म्यूचुअल चीज है और उसको कहते हैं वी आर प्रेग्नेंट। तो इस तरीके से टर्मिनोलॉजी बदलती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बदलता है, उसकी उसके शब्द बदल जाते हैं, लोगों का व्यवहार बदल जाता है। और आप देखिए कि जो बातें पहले बहुत सामान्य लगती थी, आज अगर उस बात का इस्तेमाल किया जाए तो उसको इनसेंसिटिव माना जाता है। और इस तरीके से समाज में लोकतंत्र की लड़ाई, समाज को लोकतांत्रिक बनाने की लड़ाई सतत रूप से चलती रहती है। और यह जो समाज में लोकतंत्र को स्थापित करने की और उसको बेहतर बनाने की लड़ाई सतत रूप से चलती है, कॉन्टिन्यूअसली चलती है, उसमें जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो इकोनॉमी करता है, वो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन करता है। जैसा कि हमने आपको कहा कि अगर स्टीम इंजन नहीं आया होता तो शायद महिलाओं की जरूरत फैक्ट्री में नहीं होती, और महिलाओं की जरूरत अगर फैक्ट्री में नहीं होती, महिलाएं बाहर नहीं निकलती, तो घरेलू काम के अलावे दो दूसरे तरह के काम किए जाते हैं जिसमें उनको वेज दिया जाता था, तो उनके दिमाग में यह क्वेश्चन नहीं आता कि घर का काम भी जो हम कर रहे हैं क्या उसको भी वर्क की कैटेगरी में लाया जाए कि नहीं लाया जाए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने नई तरह की फिलॉसफी को जनरेट किया, नई तरह की फिलॉसफी को पैदा किया, और इंडस्ट्रियल टाइम पे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, और उस सब्जेक्ट के आधार पे जो सोसाइटी के सवाल हैं, जो क्वेश्चन है, उसको समझने का प्रयास किया गया। और ऐसा महसूस हुआ कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया जो है वो लोकतंत्र के राह पर आगे बढ़ रहा है। इसमें जो एक बड़ा धक्का लगा, जो एक बड़ी चीज हुई, उसका हम लोगों को मेरे ख्याल से एक रिकॉग्निशन होना चाहिए। USSR के टूट जाने के अपने कारण होंगे, मैं उन तमाम कारणों में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि USSR के होने से दुनिया की जो ग्लोबल पावर थे, जिनको हम कहते हैं कैपिटलिस्ट पावर ऑफ द वर्ल्ड, उनके सामने एक प्रेशर था कि अगर हम वेलफेयरिज्म का रास्ता नहीं अपनाएंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने केन्स को पढ़ा है, केन्सियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अगर हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो शायद ये जो देश है, हमारा जो देश है, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा और वो USSR के प्रभाव में चला जाएगा। USSR क्यों टूटा है, उसका एक अलग कारण है, उस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी। यहाँ बस मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई थीसिस है और उसके सामने अगर कोई एंटीथीसिस खड़ा हुआ है, तो उससे एक नए चीज का निर्माण होता है। और आप देखिए कि वेलफेयरिज्म सरकार की जिम्मेवारी है, इसके चलते क्या हुआ, बड़े पैमाने पे जो गरीब लोग थे, जो मार्जिनाइज लोग थे, उनको भी एजुकेशन मिलना शुरू हुआ। और जब उनको एजुकेशन मिलना शुरू हुआ, तो उस सरकारी एजुकेशन के चलते, जहां खुद से वो एजुकेशन एफोर्ड नहीं कर सकते थे, उस स्कूल में जा करके उन्होंने क्या सीखा, इतिहास सीखा। और जब वो इतिहास पढ़े, तो उन्होंने ये सवाल पूछा कि इस इतिहास में हमारा इतिहास क्यों नहीं है, इस इतिहास में हमारे पुरखों की चर्चा क्यों नहीं है, इस इतिहास में ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि हमको कौन आकर के गुलाम बनाया है। ये सारे सवाल मन में पैदा होते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि इंडस्ट्रियल टाइम पे जो डेमोक्रेटिक
डेवलपमेंट हुआ, डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, उसी प्रोसेस में इक्वलिटी का क्वेश्चन आया, जस्टिस का क्वेश्चन आया, और एक ऐसे समाज के निर्माण की स्थापना का ख्वाब, एक सपना, एक ड्रीम आया कि एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं किया जा सके। आज क्या हो रहा है? आज हो ये रहा है कि सबसे पहले इंसान को जो उसकी सोचने की शक्ति है, उस सोचने की शक्ति को कैसे बदल दिया जाए या उसे डिस्टर्ब किया जाए, उसमें तकनीक का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे इंडस्ट्रियल टाइम के बाद हम कह सकते हैं कि यह जो पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम है, इसमें मोड ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह से बदल गए। मोड ऑफ प्रोडक्शन पूरी तरह से बदलने का क्या मतलब है कि पहले जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती थी उसमें हजारों मजदूर काम करते थे, और उन मजदूरों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के उनका अपना यूनियन होता था, और यूनियन जो है वो मालिकों से लड़ाई लड़ती थी, मजदूरों को अधिकार दिलाती थी, और वही जो यूनियन है उस यूनियन के आधार पर भी अलग तरह की राजनीतिक शक्तियां बनी, और उन्होंने जो है देश के शासन में, देश के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाई। आप लोग मुंबई आते जाते होंगे, आपने देखा होगा कि जितनी भी पुरानी मिलें थी वो मिलें बंद हो गई, मजदूर आंदोलन समाप्त हो गया, और उस मजदूर आंदोलन के आधार पे जो पार्टियां थी वो पार्टियां कमजोर हो गई, सत्ता में जो उनकी भागीदारी थी सत्ता में उनकी भागीदारी भी कमजोर हो गई, और देश और समाज के निर्माण में, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों को दिलाने में जो उनका भूमिका था वो भूमिका कमजोर पड़ गई। जो उदाहरण मैंने आपको कहा कि यूएसएसआर अगर होता, यूएसएसआर अगर नहीं टूटता, अगर दुनिया दो ध्रुव से एक ध्रुव में नहीं परिवर्तित हुई होती, तो मेरा मानना है कि वेलफेयरिज्म, वेलफेयर स्टेट इस तरीके से फिजल आउट नहीं होते, इस तरह से कमजोर नहीं होते। और ऐसा वो इसलिए कर पाए कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में जो जो पुराना समाजवादी राज्य था उसको उन्होंने पछाड़ दिया। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में बड़े बड़े मशीनों से जो उत्पादन होते थे, बड़े बड़े मशीनों से वो उत्पादन होना बंद हो गया, उसकी जगह पर ऑटोमेटिक मशीनें आ गई। आज हम लोग सब कहते हैं कि हम लोग एल्गोरिदम के जमाने में रहते हैं, AI के जमाने में रहते हैं। आप और हम जो बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मोबाइल रखा हुआ है और आपने अगर जूते की चर्चा की है तो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पे जूते का ऐड आना शुरू हो जाता है। आप किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, वो सब कुछ डेटा के रूप में जो है वो सेव होता जा रहा है। और आपका चॉइस अगर मार्केट को पूरी तरह से पता चल जाए तो आप जानते हैं कि आज हम लोग उस दौर में नहीं रह रहे हैं जहां कहेंगे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अब तो आविष्कार पहले हो जाता है, आवश्यकता बाद में पैदा की जाती है। और ये तमाम चीजें, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, डॉक्टर्ड वीडियो, डीप फेक न्यूज, डीप फेक वीडियो, उस दौर में हम सब लोग इंटर करते जा रहे हैं। तो वेलफेयरिज्म के लिए, रिपब्लिक के लिए, डेमोक्रेसी के लिए एक नए तरीके का चैलेंज पैदा हो रहा है, और इसको समझने के लिए भी हमको एक नए तरह की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और समझ करके जो समस्याएं हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हमको एक नए तरह की जन आंदोलन को, उसको जो है समाज में जो समस्याएं हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए नए तरह के राजनीतिक प्रोग्राम की जरूरत है। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि जब पुरानी फैक्ट्रियां नहीं बची हैं, पुराने मजदूर नहीं बचे हैं, पुराना मजदूर के आधार पर जो राजनीतिक पावर था वो राजनीतिक पावर बदल गया है, पावर का स्वरूप अगर बदल गया है, तो इस पावर स्ट्रगल में जो कमजोर लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, उनकी लड़ाई कैसे आगे बढ़ेगी? उसकी सबसे पहली और बुनियादी शर्त यह है कि भारत में जो हमको लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, किसी भी सूरत में ये लोकतांत्रिक अधिकार हमारे हाथों से नहीं जाना चाहिए। जैसे आप देखिए कि किस तरीके का स्वरूप आज हमारे पार्लियामेंट का बनता जा रहा है। हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में 100 से ज्यादा MP ऐसे हैं जिनकी संपत्ति अरबों की है। अब जिनके पास संपत्ति अरबों की होगी, या वो क्लास जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके पास अरबों की संपत्ति है, वो किस तरीके से हमारे मीडिया को, मास मीडिया को, सोशल मीडिया को, प्रोपेगेंडा को, फेक न्यूज को, इसको कंट्रोल करेगा? और जो रियलिटी है उस रियलिटी के को छुपाने के लिए आंखों में परसेप्शन को झोंका जाएगा, आंखों में धूल झोंका जाएगा, सच्चाई को दबाने के लिए, इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए
मिस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि एक चुनी हुई लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी का पूछ पकड़ करके सत्ता में आई है, आज उस डेमोक्रेसी को ही समाप्त कर रही है, उसको कमजोर कर रही है। आज क्या हो रहा है आप देखिए कि 135 करोड़ लोगों की आबादी है हमारे देश की, और कहते हैं कि लोकतंत्र के चार जो है स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशियरी और मीडिया। ब्रिटिशर्स जब लेकर के आए थे तो तीन ही स्तंभ थे। बाद में जब टीवी आया, रेडियो आया, नए तरह का जो है मास मीडिया का स्वरूप जब डेवलप हुआ, तो मीडिया को भी उसका फोर्थ पिलर कहा जाने लगा। आप याद कीजिए, जब श्रीमती गांधी के वक्त इमरजेंसी लगा था तो अखबार कितने मुखर थे और संपादकीय पेज को पूरी तरीके से उन्होंने खाली छोड़ दिया था। और आज आप देखिए कि हमारे संपादकीय की क्या हालत है, हमारे मीडिया चैनल्स में जो 135 करोड़ लोग हैं उनके कितने सवालों को दिखाया जाता है, उनके कितने जो इश्यूज हैं उसको कवर किया जाता है, और सरकार का पक्ष ना बोल करके जो जनता का पक्ष है उसको कितना उभारा जाता है। कुछ मोटी मोटी घटनाओं का उदाहरण दे करके और ये किस तरफ जा रहा है उसको बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। पिछले 5-6 साल में हमने क्या क्या देखा है। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र पे ये हमले जो हैं वो आज शुरू हुए, इसका एक पुराना इतिहास है। ये जब भी कोई नई व्यवस्था बननी शुरू होती है तो उसका एक काउंटर भी खड़ा होने लगता है, लेकिन कम से कम लोग जो संस्कृति की दुहाई देते हैं तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, कम से कम इतनी तो संस्कृति थी कि कबीर अपनी बात कहते थे, नानक अपनी बात कहते थे, उनकी बात से जिनको असहमत होना है वो असहमत हो, लेकिन वो अपनी बात कह सकते थे, वो अपनी बात बोलते थे। और आज अगर आप असहमत हैं किसी चीज से तो असहमत होना, डिसएग्री होना किस तरीके से क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। आप देखिए कि जो बातें बहुत सामान्य तरीके से बोली जाती थी, आज अगर आप उसको बोल दें तो उस पर बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। और ये जो डिसेंट के ऊपर अटैक है, ये जो सोचने पे, सवाल पूछने पे, इसके जो प्रोसेस हैं उसको जिस तरीके से आज डिस्टर्ब किया जा रहा है, डिसरप्ट किया जा रहा है, वो हमको किस तरफ ले जा रहा है। मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। आप याद कीजिए, सरकार ने एक जो है घोषणा की कि हम नोटबंदी करना चाहते हैं, और नोटबंदी करने के बाद इस देश को बहुत फायदा होने वाला है, काला धन समाप्त होगा, और जो हमारे देश में नक्सली हैं, आतंकवादी हैं, उनकी फंडिंग रुक जाएगी और देश को जो है इससे बड़ा फायदा होगा। कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि ऐसे सिर्फ नोटबंदी कर देने से ये समस्याएं समाप्त नहीं हुई, तो क्या कहा गया कि जो लोग नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं वो लोग काले धन का समर्थक हैं, वो लोग नक्सलवाद का समर्थक हैं, वो आतंकवाद का समर्थक है। यहाँ आप देखिए एक डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया जा रहा है, और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। ये किया क्यों गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये किया इसलिए गया कि इस देश का जो प्रोडक्टिव कैपिटल है, जो पैसा, जो धन, जो कैपिटल इस देश के प्रोडक्शन में लगा हुआ है, इस देश के जो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्रीज थी उनका जो सप्लाई चेन था, वो सप्लाई चेन साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल यूनिट्स के रूप में खड़े हो गए, और इसमें जो पूंजी लगी हुई थी वो पूंजी सीधे तौर पे प्रोडक्शन का काम कर रही थी। कहने का मतलब यह है कि आप में से कुछ जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा कि टी शर्ट जो आता था, टी शर्ट पहनना सबके बस की बात नहीं थी। हिंदी सिनेमा के जो मशहूर एक्टर होते थे वो टी शर्ट पहनते थे, सामान्य लोग टी शर्ट नहीं पहन सकते थे। आज आप देखिए कि सबसे सस्ता कपड़ा क्या है, सबसे सस्ता टेक्सटाइल क्या है, सबसे सस्ता टेक्सटाइल है टी शर्ट। 50 रुपए में, 100 रुपए में, 500 रुपए में 3 टी शर्ट, ऐसा आपको रेडियो पे, पटरियों पे बिकता हुआ आपको वो दिखता होगा। ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हुआ और गरीब से गरीब लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं पहुंची, आप याद कीजिए टेलीफोन घर में होना लग्जरी था, सब इंसान के पास टेलीफोन नहीं होता था। आज प्रोडक्शन कॉस्ट कम होने के चलते लोगों के पास भी टेलीफोन पहुंचने लगा,
और यहां मैं आपको बताता हूं कि इन्वेंशन पहले हुआ, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पहले हुआ, और बड़ी बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बाद में स्थापित हुई है। आप देखिए कि पहले कंपनी जिसमें जब ज्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट होता था तो सिर्फ कुछ कंपनियां जो है वो पंखा बनाती थी, जैसे उषा का पंखा आता था। लेकिन उसके बाद जब एक बार टेक्नोलॉजी आ गई है तो गली गली में पंखा बनना शुरू हो गया और गरीब के झोपड़पट्टी में भी पंखा घूमने लगा, पंखा नाचने लगा। तो समाज में जब भी कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है तो एक बड़ी आबादी को जो बुनियादी चीजें हैं उसकी एक्सेसिबिलिटी मिलती है। अगर कोई नया इन्वेंशन होता है उसमें अगर प्रोडक्शन कॉस्ट कम है तो मार्केट के कॉम्पिटिशन का फायदा जो है एक बहुत बड़ी आबादी को मिलती है। बाद में जो बड़ी पूंजी है वो बड़ी पूंजी इन छोटी छोटी पूंजियों को खत्म करके अपनी मोनोपोली को स्थापित कर लेती है। अब आप एक उदाहरण समझिए कि पहले BSNL और MTNL लोगों को सिम देती थी, उसका सिम लेकर के लोग अपना मोबाइल का इस्तेमाल करते थे। ये उन्होंने उसको कमजोर करने के लिए सरकार का आर्गुमेंट क्या था, मैं सिर्फ इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूं। सरकार का क्या आर्गुमेंट था कि सिर्फ BSNL और MTNL चूंकि सिम दे रही है तो लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता है, अगर प्राइवेट कंपनियां इसमें आएंगी तो कंपटीशन होगा और कंपटीशन के चलते जो है बहुत सारे लोगों के पास जो है मोबाइल पहुंचेगा। ऐसा हुआ, ऐसा होता हुआ दिखता है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसके मूल में ये कारण नहीं है। इसके मूल में कारण है साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करता है, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसकी भी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। और ऐसा हुआ, अलग अलग तरह की टेलीकॉम कंपनियां आई मार्केट में और उन टेलीकॉम कंपनियों के कंपटीशन का फायदा लोगों को हुआ, लेकिन मोनोपोली कैसे स्थापित की गई इसको देखिए। एक बड़ी कंपनी आती है, मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसका नाम है जियो। कोई हम माने प्रधानमंत्री थोड़ी है, उनका चंदा तो खा नहीं रहे हैं कि डर से बोलेंगे नहीं। तो जियो आती है और कहती है कि फ्री में हम सबको देंगे। उसके बाद उस कंपटीशन में बाकी जो कंपनियां हैं वो पिछड़ती हैं और जियो का आज के डेट में मोनोपोली एस्टेब्लिश हो गया है। और आज के डेट में सब जिसके पास सबसे ज्यादा कनेक्शन होगा उसके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा, और जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा होगा मार्केट पे उसकी सबसे बड़ी मोनोपोली होगी। और जियो धन धनाधन का आप नेक्स्ट स्वरूप देख लीजिए कि नए तरह की चीजें भी हमारे सामने आएगी। ये उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूं, ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि अगर राज्य डेमोक्रेटिक है, अगर राज्य का काम है जनता का वेलफेयर करना, तो राज्य सिर्फ यही नहीं देखेगा कि कंपनियों को कितना फायदा हो रहा है, राज्य को यह भी देखना चाहिए कि लोगों को कितना फायदा हो रहा है, लोगों से जो डेटा लिया जा रहा है उस डेटा को कितना प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लोगों के सामने जो मार्केट की कॉम्पिटिशन है उस कॉम्पिटिशन में स्टेट का क्या रोल है, ये तमाम चीजों पे भी बातचीत होनी चाहिए। और आप देखिए कि मोनोपोली एस्टेब्लिश होती है और जो वो मोनोपोली है उस मोनोपोली को सर्व करने के लिए जिसको हम कहते हैं फिनेंशियल कैपिटल, उस फिनेंशियल कैपिटल को सर्व करने के लिए आज के डेट में जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसके ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा है। और लोगों ने जब इसका विरोध किया तो सरकार का क्या आर्गुमेंट था, लोग नहीं समझ रहे हैं, कुछ लोगों को लोग बड़गला रहे हैं, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो आतंकवादियों के समर्थक हैं। दूसरा काम वो करते हैं GST लेकर के आते हैं। GST में उन्होंने क्या किया, कहा कि सबके पास GST नंबर होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, और इससे जो है आसान होगा। दर्जनों बार तो वो खुद ही इसके रूलिंग्स में जो है परिवर्तन कर चुके हैं, उसको लगातार बदल रहे हैं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि GST लाने से टैक्स की चोरी बंद हो गई है। ऐसा हुआ है क्या, टैक्स की चोरी बंद हो गई है? आज तो कहते हैं कि चोरी छोड़ दीजिए, सीना जोड़ी इस देश में हो रहा है। 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपए जो हैं वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के माफ किए गए हैं, और मजदूर किसान जब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरता है तो कहा जाता है कि ये लोग अराजक लोग हैं। हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा, पब्लिक सेक्टर बैंक का पैसा अपने दोस्तों पे आप उड़ा रहे हैं, और अगर उसका विरोध किया जाए, GST का विरोध किया जाए, तो कहते हैं कि जो लोग GST का विरोध कर रहे हैं
वो टैक्स चोरों के समर्थक है। तीसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं, आज किसान बिल लाया गया है, किसान बिल ला करके ये क्या कह रहे हैं कि इससे किसानों की भलाई होगी। साहब आप कैसा भलाई करना चाहते हैं? किसान कहता है कि हमको ये भलाई नहीं चाहिए और आप जबरदस्ती उसके गले में जो है ये भलाई का माला पहनाए जा रहे हैं। मूल लड़ाई क्या है? मूल लड़ाई ये है कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने मार्जिनल कॉस्ट को लगभग जीरो कर दिया है। अगर मार्जिनल कॉस्ट लगभग जीरो हो गया है, इसका मतलब यह है कि बड़े पैमाने पे जो बिग कॉर्पोरेट कैपिटलिस्ट मोनोपोली है वो धराशाही हो गई है। लेकिन उस मोनोपोली को बचाए रखने के लिए, उस मोनोपोली की रक्षा करने के लिए तमाम तरीके की ये कोशिश की जाती है कि मार्केट के खेल में, कहते हैं ना कि बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, मार्केट के इस खेल में जो प्रोडक्टिव कैपिटल है उसको तबाह कर दिया जाए। वो प्रोडक्टिव कैपिटल इस स्थिति में ही ना हो कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसको वो अवेल कर सके, उसको वो एक्सेस कर सके, और उस एक्सेस के आधार पे उस साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अपने प्रोडक्शन सिस्टम में ला करके वो बड़े बिग कॉर्पोरेट को वो चैलेंज कर सके। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो लूट तंत्र है, इस लूट तंत्र ने लोकतंत्र के सामने आज एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ा कर दी है कि अगर आपका चॉइस आपका नहीं है, मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मुझे क्या खाना पसंद है और क्या खाना पसंद नहीं है, इस पे अगर हमारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि हम देश के प्रति, समाज के प्रति, सरकार कैसा होना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर के कितना गंभीर हो। और ये अपने आप में एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है। एक तरफ यह जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, इसके जो इक्विपमेंट है उसका जो बुनियादी स्वरूप है वो बुनियादी स्वरूप डेमोक्रेटिक है, लेकिन इसका जो ओनरशिप है वो पूरी तरीके से एटोक्रेटिक है, मोनार्किक टेंडेंसी है उसके अंदर, ऑथोरिटेरियन है, और उसमें वो अपना वननेस एस्टेब्लिश करना चाहता है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है सोसाइटी में, ये अपने आप में अजीब है। अजीब इस तरीके से है कि सरकार क्या कर रही है हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हम रोज इस बात को महसूस करते हैं कि अगर हम अपने किचन में डेमोक्रेटिक नहीं है, हम अपने बेडरूम में डेमोक्रेटिक नहीं है, तो हम अपने परिवार को नहीं बचा सकते। आप मुझे बताइए कि परिवार को बचाने के लिए, पार्टनरशिप को बचाने के लिए, कंपेनियनशिप को बचाने के लिए, रिलेशनशिप को बचाने के लिए आपको डेमोक्रेटिक होने का जरूरत है, लेकिन देश को बचाने के लिए क्या एक अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जरूरत है? और ये गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक कैसे है, उसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये अनडेमोक्रेटिक ऐसे है कि तमाम प्रोसेस को एक एक करके इस देश में समाप्त किया जा रहा है, जो डेमोक्रेटिक के प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, उसके इथॉस को मजबूत करता है। जैसे आप देखिए, जितनी भी समितियां बनी हुई थी पार्लियामेंट की, आज उन समितियों का कोई काम नहीं रह गया है। अगर समिति किसी भी इशू से जुड़ा हुआ है तो उस समिति का कोई भी रिकमेंडेशन हो, उस रिकमेंडेशन को आज सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने कहा कि हम देश के कई किसानों से संपर्क किए हैं, लेकिन सरकार ये बताने को तैयार नहीं है कि इस कृषि बिल के विरोध में किसान संगठन है, किसान है। मजेदार बात तो तब होती है कि जब श्रम सुधार कानून लेकर के सरकार आई तो बीजेपी से जुड़ी हुई जो भारतीय मजदूर संघ है वो भी इसका विरोध कर रही थी। तो आखिर ये सिस्टम चल कैसे रहा है, इसका निर्णय कौन ले रहा है, और इस निर्णय को पब्लिक परसेप्शन में, लोगों के दिमाग में सही कैसे स्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि आज के डेट में जो पावर है, उस पावर के सेंटर में जो बैठा हुआ इंसान है, उस इंसान को इस देश का और दुनिया का बड़ी पूंजी का, बिग कॉर्पोरेट का, अगर उस कैपिटल को भी अगर हम डिवाइड करें तो फिनांस कैपिटल का सपोर्ट है। दूसरा कि वो जो इंसान है, वो इंसान गैर जरूरी मुद्दों को हवा दे करके लोगों के बीच में, समाज में एक पोलराइजेशन करता है, और उस पोलराइजेशन को मजबूत करने के लिए जो डेमोक्रेसी का पिलर है मीडिया, उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। सच्चाई को छुपाने के लिए पब्लिक परसेप्शन को
खराब करने के लिए या गलत परसेप्शन एस्टेब्लिश करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन, डॉक्टर्ड वीडियो, लोगों को बदनाम करना, तरह तरह की जो है डायकोटमी, तरह तरह की बाइनरी जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाता है। और चौथा, जो लोग भी इसके संबंध में बोलते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, उनके लिए नए शब्द गढ़ लिए जाते हैं। याद कीजिए FTII में जब स्टूडेंट गजेंद्र चौहान का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये आदमी हमारे इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है क्योंकि यह घटिया कलाकार है और इस आदमी के पास कोई एकेडमिक समझ नहीं है, वहां से जब स्टूडेंट ने अपना आंदोलन करना शुरू किया तो स्टूडेंट को क्या कहा गया? स्टूडेंट को कहा गया कि ये सारे स्टूडेंट जो हैं वो एंटी नेशनल हैं, ये 3 महीने तक नहाते नहीं हैं। बताइए, बात हो रही है किसी इंस्टीट्यूट की और ये बहस को लेकर के कहां चले जाते हैं? नहाने के ऊपर। FTII का आंदोलन शुरू हुआ, लोगों के फेलोशिप बंद कर दिए गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, UGC नेट के द्वारा जो नॉन नेट लोग होते थे, UGC के द्वारा जो नेट JRF, जो लोग नेट JRF नहीं होते, जो नॉन नेट होता था, उसको एक एक जो है फेलोशिप दिया जाता था, उस फेलोशिप को बंद कर दिया। वो आंदोलन UGC मुख्यालय के सामने महीनों चला। ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन आज 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। इसकी स्वरूप को अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो ये इस सरकार के आने के बाद लगातार हो रहा है। महीनों वो आंदोलन चला, उसी आंदोलन के दौरान हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से खबर आई कि रोहित बेमुला की शहादत हुई। रोहित, उस घटना के बाद सबसे पहले सरकार ने क्या कहा कि ये विद्यार्थी नहीं है, ये आतंकवादियों के समर्थक हैं, ये याकूब मेनन के समर्थक हैं। फिर JNU की घटना घटती है और आप लगातार देखिए कि समाज का जो तबका सरकार के सामने अपने लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर के उठ खड़ा होता है, वो बोलना शुरू करता है, तो उसके लिए कोई ना कोई शब्द घर लिया जाता है। विद्यार्थियों को एंटी नेशनल कहा गया। जो लोग दलितों के हक और अधिकार की बात करते हैं, आदिवासियों के हक और अधिकार की बात करते हैं, उनको माओवादी कहा गया। और जो लोग डिसेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करते हैं, उनको एवार्ड वास्तविक गैंग कहा गया, उनको अर्बन नक्सल कहा गया। और आज जो लोग किसान अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर खड़े हैं, उनको खालिस्तानी और आतंकवादी कहा जा रहा है। इससे पहले पिछली जनवरी में जब लोग CA NRC का विरोध कर रहे थे तो उनको पाकिस्तानी और आतंकवादी कहा जाता है। इस तरीके से जो हमारी प्राचीन, जो हमारी संस्कृति, आप अभी अगर सुन रहे हो तो कंटिन्यू करिए प्लीज। जी जी, बस मैं कंक्लूड ही कर रहा था लेकिन फिर से इंटरनेट ने धोखा दिया तो मैं ये कह रहा था कि आज के डेट में हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि एक तरफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हमारे जीवन को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है, दूसरी तरफ समाज बेहतरी की तरफ ना जाए, समाज और डेमोक्रेटिक ना हो, इसके लिए जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो डेमोक्रेसी को कमजोर करने के लिए डेमोक्रेसी का ही इस्तेमाल करें। इसीलिए ये बड़ा चैलेंजिंग टाइम है। अंग्रेजों के टाइम में गांधी जी के लिए आसान था, अंग्रेजों को पहचान लेते, लेकिन आज जो बैठे हुए लोग हैं ये तो उल्टा कहते हैं कि इनको कपड़ों से पहचानिए। साहब, हम आपको तो कपड़ों से भी नहीं पहचान सकते हैं क्योंकि आप लगते तो हमारे जैसे ही हैं, अंग्रेज जैसे तो आप लगते नहीं हैं, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत से जो हक और अधिकार हमने हासिल किए, जो हक और अधिकार हमने छीने, वो हक और अधिकार आप हमसे दोबारा छीन लेना चाहते हैं। जो लोगों को अधिकार था कि वो सरकार से सवाल पूछ सके, आज सरकार से सवाल पूछने को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। लोगों को ये अधिकार था कि आपने कहा कि हम नेशनल परमिट अगर किसी ट्रक को देते हैं तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जाकर के वो अपना सामान बेच सकता है। आज आप वो परमिशन जो है आम लोगों से छीन लेना चाहते हैं और अपने दोस्तों को दे देना चाहते हैं। और उसकी भाषा कैसा रखते हैं? भाषा आप ऐसा रखते हैं कि सुनने में ऐसा लगता है कि आप जो है किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, जबकि वो सारा काम जो है आप अपने मुट्ठी भर दोस्तों के हक और अधिकार के लिए कर रहे हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि उदार होने का मतलब ये है कि भेड़ चल करके शेर के पास जाए और शेर को कहे कि हुजूर आप हमको खा लीजिए, ये उदार बात है। और जो लोग इसके खिलाफ में बोले, आंदोलन करें, सड़कों पे उतरें,
तो आप कह दें कि ये हिंसक लोग हैं, ये अराजक लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, ये एंटी नेशनल हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके, डेमोक्रेसी के द्वारा डेमोक्रेटिक